वर्ष के राधाष्टमी महामहोत्सव में श्रीमती राधा रानी की जय। मैं पिछले 3 घंटे से एक पावर पॉइंट बना रहा था राधाष्टमी के लेक्चर पर, और यहाँ मैं बैठा, माता जी जब भजन गा रही थी तो जो मैं 3 घंटे से वो पावर पॉइंट बना रहा था डिलीट हो गया। तो थैंक यू आपके भजन के दौरान 5 मिनट में मैं फिर से जो पावर पॉइंट बना सका उसे मैंने बनाया। राधा रानी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि राधा कृष्ण लीला जो है उसके अंदर कोई अंदेशा नहीं कर सकता कि कब क्या होगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य वो भी भगवान श्री कृष्ण को असमंजस में डालने वाला है। हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं श्रील प्रभुपाद का एक राधाष्टमी का प्रवचन सुन रहा था, तो श्रील प्रभुपाद राधाष्टमी के प्रवचन में केवल 25 मिनट का उनका प्रवचन है राधाष्टमी पर, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन 25 मिनट में श्रील प्रभुपाद 24 मिनट वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे। कैसे भगवान श्री कृष्ण वो सर्वश्रेष्ठ हैं, परम नियंता है, परम रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, इत्यादि इत्यादि। 24 मिनट तक श्रील प्रभुपाद केवल भगवान श्री कृष्ण के महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और लास्ट के 1 मिनट श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और ये परम नियंता भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पर गिरकर उनकी कृपा याचना करते हैं। लेक्चर एंड। तो मैं सोच रहा था ये जो तरीका है राधा रानी के गुणगान करने का, ये कितना विशेष और यूनिक है। जैसे ये कथा है जब रावण वो थोड़ा था सकपका गया था, थोड़ा सा डर गया था, प्रभु श्री रामचंद्र अब धावा बोलने वाले हैं, सेतु बन रहा है, और उसने जो जो गलतियां करी हैं, और ये सबसे बड़ी गलती उसके जीवन की जो उसने कर दी थी माता सीता का अपहरण कर, तो मदद मांगने के लिए रावण बलि महाराज के पास जाता है। तो बलि महाराज से मदद मांगने के लिए जाता है, और हम सब जानते हैं बलि महाराज कौन हैं। तो बलि महाराज जब सुनते हैं तो वो रावण को कहते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं तुम्हें। तो वो महल के बाहर दूर तक चलकर उसे ले जाते हैं रावण को, और एक बड़ा विशाल सोने का पर्वत दिखाते हैं। तो रावण वैसे ही सोना देखकर उसे कुछ हो जाता था, तो ये सोने का पर्वत देखा, आज दिन तक मैंने सोने का पर्वत नहीं देखा। तो रावण अभी भी कंफ्यूज था कि मैं एक बहुत गहन विषय पर चर्चा करने आया बलि महाराज से, ये मुझे ये सोने का पर्वत क्यों दिखा रहे हैं। तो सोने का पर्वत दिखाया, सोने का पर्वत दिखाकर क्या समझ में आ रहा है तुम्हें ये पर्वत देखकर। रावण ने कहा, बस सोना दिख रहा है, इतना ही समझ में आ रहा है, ये कोई पर्वत नहीं है, ये हिरण्यकशिपु के कान का एक कुंडल है। क्या है ये? हिरण्यकशिपु के कान का कुंडल है। तो अभी तक रावण को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जो प्रश्न पूछा उससे इस सब का क्या संबंध है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने 24 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण की महिमा
पर लेक्चर दिया राधाष्टमी के दिन। तो ये कुंडल हिरण्यकशिपु के कान का एक, और ये हिरण्यकशिपु को जब भगवान नरसिम्हदेव मारने आए तो भगवान नरसिम्हदेव ने जब अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को मारने की कोशिश की तो अचानक हिरण्यकशिपु अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है भगवान नरसिम्हदेव को। तो ढूंढने लगे कहां गया। तो जब खोजबीन करी तो भगवान नरसिम्हदेव के एक नाखून के अंदर हिरण्यकशिपु अटका हुआ था। भगवान नरसिम्हदेव के नाखून के अंदर हिरण्यकशिपु अटका हुआ था। तो ये कान का कुंडल जो तुम जिसे सोने का पर्वत समझ रहे हो, वो एक कान का, बाय द वे एक कान में पहनता था हिरण्यकशिपु। तो सोचो हिरण्यकशिपु कितना बड़ा होगा। जो हिरण्यकशिपु इतना बड़ा, वो भगवान नरसिम्हदेव के नाखूनों में कहीं अटक कर छिप गया, तो भगवान नरसिम्हदेव का नाखून कितना बड़ा होगा, तो भगवान नरसिम्हदेव की उंगली कितनी बड़ी होगी, उनका हाथ कितना बड़ा होगा, उनकी पूरा विग्रह कितना बड़ा होगा। और ये नरसिम्हदेव वही रामचंद्र जी हैं। अब तुम्हें जवाब मिला तुम्हारे प्रश्न का, तो संभल जाओ और अपनी गलती स्वीकार कर लो, और इससे ज्यादा बड़ी गलती मत करना। तो इतना वो सब कुछ बैकग्राउंड क्रिएट कर फाइनली रामचंद्र जी का गुणगान बलि महाराज ने इस प्रकार से किया। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने श्रीमती राधा रानी का गुणगान इस प्रकार से किया। तो जैसे हमने कहा कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य पद्म पुराण में वर्णन है कि एक दफा जमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण अकेले बैठे हुए थे। अकेले बैठे भगवान श्री कृष्ण वो सोच रहे थे कि मैं पूरी सृष्टि को आनंद देने के लिए हूं। पूरी सृष्टि में जहां कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी बद्ध जीव भी कहीं आनंद या सुख का अनुभव करते हैं, उसका स्रोत मैं ही, चाहे वो भौतिक क्यों ना हो। आध्यात्मिक का तो मैं हूं ही, भौतिक का भी, परंतु मुझे आनंद देने के लिए कोई नहीं। तो यहां परम पुरुष सर्वशक्तिमान षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण वो अपने स्वयं के ऊपर तरस खा रहे थे कि मुझे आनंद देने वाला कौन। और जैसे ही उनके मन में ये विचार आया तो उनके वाम भाग से बाएं भाग से ये सुंदर स्त्री, ये सुंदर बालिका ये उत्पन्न हुई। और क्योंकि ये बनी हुई थी भगवान श्री कृष्ण के राग से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भाव से, और जैसे ही ये प्रकट हुई तो ये भागने लगी भगवान श्री कृष्ण की ओर। जैसे मराठी में कहते हैं ना, धावणे। तो भागने लगी, तो जो राग से धावने लगी तो नाम क्या हुआ, राधा। तो ये जो राधा नाम, इसका विश्लेषण पद्म पुराण में इस प्रकार से किया गया। तो अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि आत्माराम है, आत्माराम भगवान श्री कृष्ण वो इस प्रकार की अतृप्ति असंतुष्टि का अनुभव कैसे करने लगे।
तो सिद्धांत के दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, हाँ उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, परंतु लीला के दृष्टिकोण से भगवान वही आत्माराम भगवान वो असंतुष्ट या अतृप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद उन्होंने एक प्रवचन में कहा, 1966 के उनके न्यूयॉर्क के प्रवचन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वो अपने लीला को और रुचिकर बनाना चाहते हैं तो वो अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार कर और श्रीमती राधारानी कौन है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो बलराम जी भगवान के दाएं भाग से उत्पन्न होते हैं, श्रीमती राधारानी बाएं भाग से, तो दोनों हमारे लिए आदि गुरु हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता दी जाए, तो जीव गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि ये जो भगवान का बलराम जी में विस्तारित होना, बलराम भगवान का राधारानी में विस्तारित होना, ये सब कैसे समझा जाए। तो बहुत सुंदर उदाहरण वो देते हैं, हम सब भगवान श्री कृष्ण का ये विशेष गुण सुने हैं, यहाँ पर देखते हैं हर समय उनके अधरों पर बांसुरी होती है, उनका एक बहुत सुंदर नाम है मुरलीधर, मुरली को जिन्होंने धारण किया है। तो भगवान बांसुरी जब बजाते हैं या कोई भी यदि बांसुरी बजाता है तो वो जो बांसुरी बजाने की जो प्रक्रिया है इसका उदाहरण जीव गोस्वामी देते हैं। अब देखो हमारे प्रभु जी बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं। अब बांसुरी बजाने के लिए बांसुरी तो चाहिए सबसे पहले, उसके साथ साथ व्यक्ति जब उंगलियां उन छिद्रों के ऊपर उसमें से सुर निकालता है, अब यदि हमें बांसुरी बजाना नहीं आता, हमें कोई बांसुरी दे दे और हम भी वैसे ही स्टाइल में खड़े हो जाएं और उंगलियां हिलाते रहें, आवाज आएगी, कुछ आवाज आएगी, क्या करना पड़ता है, आवाज बांसुरी से आवाज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फूंक मारना पड़ता है ना, उसको कहते हैं द लिप होल ऑफ द फ्लूट, वहां पर फूंक मारना पड़ता है, या फिर जिसे कह सकते हैं कि सीटी, मुंह से सीटी, मतलब ये नहीं बजाना आता तो नीचे करके सीटी बजा लेते हैं, कुछ तो आवाज निकलेगी। तो ये उदाहरण दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो सीटी निकलती है उसके अंदर कोई राग या सुर नहीं है, प्लेन फूंक है, वो फूंक निकल रही है बाहर, परंतु वही उनके अधरों से या उनके मुख से, उनके कंठ से वो जो हवा निकलती है, जब वो उस बांसुरी के लिप होल से गुजरती है, वहां प्रवेश करती है और फिर अन्य छिद्रों से जब वो हवा बाहर निकलती है, तो देखो बांसुरी की धुन कितनी मधुर लगती है। तो है क्या फूंक, मुंह से निकली हुई फूंक, लेकिन जब उन लिप होल और छिद्रों से वही हवा बाहर आती है तो ऐसे ऐसे सुर बनते हैं। कितना सुंदर ये उदाहरण, ये उत्प्रेक्षा दी है जीव गोस्वामी ने कि भगवान अकेले उस सीटी के समान है, उस फूंक के समान है, वो लिप होल है श्रीमती राधा रानी, कि वो फूंक जब उस लिप होल से पास होता है और फिर ये बाकी जो छिद्र हैं वो हैं और श्रीमती राधारानी की अंतरंग पार्षद गोपियां सखियां मंजरियां और इनके पूरे समन्वय से
जो सुर और ताल निकलते हैं इस बांसुरी से, तो वो हैं भगवान की लीलाएं, भगवान की मधुर लीलाएं। इसलिए श्रीमती राधा रानी, आप देखो, मेरे ख्याल से अधिकांश हम लोग जो अब इस्कॉन के कार्यक्रमों को अटेंड करना प्रारंभ किए हैं, तो यहाँ आने से पहले बहुत कम हम जानते होंगे कि ये राधाष्टमी कर कोई महोत्सव होता है। जन्माष्टमी तो सब सुने, दही हंडी, गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी, गोपाल काला, सब कुछ सुना है हमने। आप देखो, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म, राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी का जन्म, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मानो पिता का बर्थडे। हमारे लिए तो वो हमारे आराध्य माता पिता हैं। तो पिता का बर्थडे जो होता है वो पब्लिक अफेयर होता है। साधारणतः भी देखा गया है कि जो पति होता है या पिता होता है, उनका जब बर्थडे मनाया जाता है तो थोड़ा धूमधाम से, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो सार्वजनिक होता है उसका बर्थडे। इसलिए आप देखो कि गोकुलाष्टमी जन्माष्टमी पर बाहर के लोग होर्डिंग्स भी लगाते हैं, सार्वजनिक दही हंडी उत्सव, पब्लिक अफेयर है। लेकिन कहीं पर पूरे नासिक में आज आप नहीं कहीं होर्डिंग देखोगे सार्वजनिक राधाष्टमी महोत्सव, कहीं नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जो माँ होती है, माँ का जो बर्थडे होता है वो बहुत प्राइवेट अफेयर होता है, वो खाली चुनिंदा लोगों के लिए बहुत प्राइवेट अफेयर है। इसलिए माता राधा रानी का जो आविर्भाव दिवस है वो बहुत ही प्राइवेट अफेयर है, बहुत स्पेशल है वो। जैसे कई होते हैं ना, कई वेडिंग्स बहुत स्पेशल वेडिंग्स होते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है उसके अंदर। कई पार्टियां होती हैं, बहुत चुनिंदा लोगों को, चोजन पीपल आर कॉल्ड फॉर द पार्टी। इसलिए मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ कि यदि कोई किसी के बुलाने पर या न्योता देखकर या अकस्मात यहाँ पर आ गया न जानते हुए कि आज यहाँ पर क्या है, इतने भक्तों का जमघट देखकर, भीड़ देखकर कोई ऐसे ही चलते फिरते आ गया, और जो जानबूझ के सोच समझ के भी आए हैं सभी यहाँ पर, समझ लीजिए कि आप सबसे प्राइवेट पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं आज। कि यदि आबादी नासिक की 25-30 लाख है, पता नहीं कितनी उतनी शायद होगी तकरीबन, यदि इतनी आबादी है, इतने लाखों मनुष्यों में से आप लोग चुनिंदा, किसने चुना? उन्हीं ने चुना है उनके खास इस प्राइवेट बर्थडे पार्टी में, ये सौभाग्य। तो श्रीमती राधा रानी, जब उनका प्राकट्य ही भगवान को आनंद देने के लिए है, भगवान को प्रसन्नता देने के लिए है। देखिए, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव बोला जाता है, भगवान कृष्ण के भक्त, जो खाली कृष्ण के भक्त अपने आप को कहलाते हैं, उनको टेक्निकल नाम उनका है कार्ष्णव। जैसे वैष्णव वैसे कार्ष्णव। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गौरी, इसलिए बंगाल में उनका जो उच्चारण होता है वो र को ड बोलते हैं। तो राधा रानी के जो भक्त हैं, गौरी के जो भक्त हैं, वो क्या बने? गौरिया नहीं, गौड़िया, वहां पे गौड़िया। तो ये जो गौड़िया संप्रदाय है, भक्त सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि हम
न तो विष्णु के भक्त हैं, हम न तो कृष्ण के भक्त हैं। भक्ति सिद्धांत वो तो इतने आगे पहुंच गए, बोलते हैं कि हमको कृष्ण से लेना देना क्यों है, क्योंकि उनका राधा रानी से कुछ लेना देना, इसलिए हम ठीक है उनको भी मान लेते हैं कि उनका कुछ कनेक्शन श्रीमती राधा रानी से है इसलिए। तो मैंने एक रूप गोस्वामी कृत ग्रंथ है दान केली कौमुदी, तो उसमें श्रीमती राधा रानी के विरोधी गुण के विषय में चर्चा हुई है। सॉरी, ये मैंने लास्ट मिनट में इंग्लिश में टाइप कर दिया, अभी वो सब कुछ हिंदी में था, पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में था, घबराइए मत, उसका अनुवाद हम कर देंगे। 6 पैराडॉक्सेस इन श्रीमती राधा रानी इज लव फॉर कृष्णा। अब देखो, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि ये जो विरोधी गुण हैं प्रेम में, जब इसको कोई बहुत गहराई से जानने की कोशिश करता है तो समझ में आता है कि वो जो प्रेम है वो इस भौतिक संसार का नहीं हो सकता, क्योंकि इस भौतिक संसार में अक्सर जब आप विरोधी गुणों को देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये व्यक्ति ऐसा है या ऐसा है, इसके अंदर मतलब सही मायने में ये है क्या। एक तरफ तो इसका क्रोध, इतना क्रोधी स्वभाव का ये व्यक्ति, और उसके साथ साथ दयालु, तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्रोधी भी है दयालु भी है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन यहां पर श्रीमती राधा रानी, उनके अंदर ऐसे विरोधी गुण हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा आनंद देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मेरे वाम भाग से ये श्री राधिका उत्पन्न हुई, ये मुझे किस प्रकार की प्रसन्नता दे रही है, कैसा आनंद दे रही है, उसको अनुभव करने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु का रूप उन्हें लेना पड़ता है या अवतार लेना पड़ता है। तो सबसे पहला गुण है या विरोधी गुण है कि श्रीमती राधा रानी वो संपूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं, हर समय रहती। अब हमारे यदि चर्चा हम करें तो हम यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत ऐसे उत्सव होते हैं जब मंदिर में बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है या फिर कथा चल रही है, तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, थोड़ा बहुत। परंतु श्रीमती राधा रानी एब्सोल्यूटली क्या उदाहरण दिया है कि उनका भगवान श्री कृष्ण में उनकी भावना किस प्रकार से है। जैसे आपने अगर अनुभव किया है, शहद को आप उड़ेलो किसी शीशी से बर्तन में, तो उसकी जो धार है, शहद की धार किस प्रकार की होती है, फ्लॉलेस, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस, कि उसके अंदर कोई रोक नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी का एब्जॉर्प्शन भगवान श्री कृष्ण में वो शहद की धार की तरह है। हमारा कैसा है, म्युनिसिपैलिटी की नल, पहले थोड़ा सा खोलो आवाज आती है, फिर और खोलो और आवाज आती है, फिर पूरा खोल दो आवाज ही आवाज आती है, पहले आवाज आती है 5 मिनट 10 मिनट, फिर एक बूंद, फिर आवाज, फिर दो बूंद, फिर धर 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 पानी, फिर वापस चला गया, फिर आवाज। तो हमारी चेतना कैसी है, आवाज बहुत करते हैं, अरे बोल ये, लेकिन वास्तविक रूप में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम वो कभी कभी एक बूंद यहाँ वहाँ छलकता है, वो भी चला जाता है, फिर आवाज बहुत आती है, फिर कई बार उत्सवों में लगता है भाव विभोर हो जाते हैं, एक मग्गा पानी आ गया बाहर।
तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है कृष्णमयी। गौतमीय तंत्र में ये सुंदर श्लोक है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। तो कृष्णमयी का अर्थ क्या है कि जो हर समय भगवान श्री कृष्ण में ही उनकी चेतना स्थित रहती है। अब देखिए चैतन्य चरितामृत में जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं ऐसे प्रेमी भक्त, इनके विषय में बताया गया है कि जब कोई अपने पूर्ण शुद्ध चेतना में भगवान श्री कृष्ण को निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वो प्रेम उसका जो सार है यदि उसे निचोड़ा जाए, जैसे कि दूध का सार मक्खन या घी, उसी प्रकार से इस प्रेम का सारांश निकाला जाए मंथन इसका कर तो उस सार को कहेंगे महाभाव। और श्रीमती राधा रानी उस महाभाव की बनी हुई है। बस जैसे मान लो कि कोई चीनी की बनी गुड़िया, तो चीनी की बनी गुड़िया वो हर उसके कण कण में यदि कहीं से भी कोई उसका आस्वादन करने जाएगा तो मीठा आस्वाद होगा। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी वो बनी है केवल महाभाव से, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के आगे जो उसका एसेंस है उससे बनी हुई श्रीमती राधा रानी। यहां तक हमारे आचार्य कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो आभूषण, जो वस्त्र, जो कुछ अलंकार, जो कुछ श्रृंगार वो अपने ऊपर धारण करती है वो भी महाभाव है। अब साधारणता हम हमारी भावना को कहाँ पाते हैं, शरीर के हर एक अंग में नहीं। जैसे अगर हम कहें भी कि आज मैं, बोलते हैं ना, दिल से तुम्हें याद कर रहा था, कभी बोला गुर्दे से याद कर रहा था, आज मैं फेफड़ों से याद कर रहा था, नहीं, बस उतने ही हम अंग लेंगे। तो क्या कहते हैं, दिल से, क्योंकि भावनाएं वहां पर हम अनुभव करते हैं। परंतु श्रीमती राधा रानी उनका हरेक अंग प्रति अंग महाभाव से बना हुआ है। तो ये बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी जो उनके अधरों के ऊपर लालिमा लगाती हैं, आज की भाषा में जिसको लिपस्टिक बोलेंगे, तो वो कोई लॉरियल ये कंपनी की लिपस्टिक नहीं लगाती। हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रेम राग की लालिमा, मतलब ये सब राधा रानी के महाभाव के, जिसको कहेंगे कि सर्वेंट्स हैं या असिस्टेंट्स हैं, प्रेम राग, प्रेम कुटिलता, प्रेम सौभाग्य इत्यादि। तो श्रीमती राधा रानी के अधरों पर जो लालिमा है वो है प्रेम राग। श्रीमती राधा रानी जो तिलक धारण करती हैं उसे कहते हैं प्रेम सौभाग्य। और श्रीमती राधा रानी उनका जो काजल है उसको प्रेम कुटिल बोला गया है। श्रीमती राधा रानी जो चोली पहनती हैं वो चोली है श्रीमती राधा रानी की लज्जा। वो जो लहंगा पहनती हैं वो है श्रीमती राधा रानी का कृष्ण समर्पण। जो गले का हार वो धारण करती हैं वो हार में फूल जो हैं वो उनके 25 दिव्य गुण हैं। जो अलंकार धारण करती हैं वो सारे अलंकार जो हैं
भगवान श्री कृष्ण जब उन अलंकारों को देखते हैं तो एक एक अलंकार अपने से भगवान श्री कृष्ण को अलग तरीके से प्रसन्नता देने के लिए दीप्यमान रहते हैं। तो इस संसार में जब कोई अलंकार या गहने आभूषण धारण करता है तो खुद को सुंदर बनाने के लिए करता है ना, परंतु राधा रानी के शरीर पर अलंकार गहने इत्यादि वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देने के लिए होते हैं। उनके महाभाव के ये अलग अलग जो पहलू हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए हैं। परंतु यहां पर विरोधी गुण क्या है? विरोधी गुण ये है कि इतना कोई व्यक्ति महाभाव में भगवान श्री कृष्ण भावनामृत में होने के बावजूद अतृप्त रहता है। हम तो क्या कहते हैं कि अरे भाई आओ चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी पीसफुल, आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे। यहां पर श्रीमती राधा रानी इतना कृष्ण भावनामृत होने के बावजूद अतृप्त रहती है। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं ये किस प्रकार का गुण है कि जैसे आप किसी पात्र में कुछ उड़ेल रहे हो, जल या दूध इत्यादि। अब यदि वो एक लीटर का पात्र है तो एक लीटर के बाद होगा क्या, क्या दिखेगा आपको? और डालते जाओगे तो वो बाहर आते जाएगा, बाहर आते जाएगा। तो ये एक ऐसा पात्र है श्रीमती राधा रानी का कि जितना इसके अंदर कृष्ण भावनामृत कोई डालता है ये पात्र कभी भरता ही नहीं। और जब ऐसा गुण भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो वो अतृप्त हो जाते हैं, उनके प्रेम को वो कितना अनुभव करेंगे। तो दोनों, जो दे रहा है प्रेम और जो स्वीकार कर रहा है इस महाभाव को, दोनों अतृप्त रहते हैं। ये गणित हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक दिन श्रीमती राधा रानी वो इतना विरह अनुभव कर रही थी। अच्छा, श्रीमती राधा रानी इस भौम वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण की लीला में वो सम्मिलित होती हैं तो इस भौम वृंदावन की लीला में वो परकीय रस का अर्थ है कि उनका विवाह किसी और से हुआ है, अभिमन्यु नामक व्यक्ति से हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला को और मनोहर और रुचिकर और एक्साइटिंग बनाने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण की ही योजना। तो राधा रानी अब अपने ससुराल में है, उनका ससुराल है यावत, वृंदावन जो ब्रजमंडल है वहां पर। तो उनका जन्म हुआ रावल में, उसके पश्चात वो बरसाना में रही और फिर जब उनका विवाह इस अभिमन्यु से हुआ तो उनका ससुराल था जावत। और उनके सास का नाम है जटिला, उनके ननद का नाम है कुटिला। ये दोनों जो नाम जटिला और कुटिला, इनको इसलिए मिला क्योंकि दोनों बहुत जटिल और कुटिल, विशेष रूप से राधा रानी के ऊपर बंदिशें डालने के लिए हर समय। तो उन्होंने इतनी बंदिशें राधा रानी के ऊपर डाल दी थी और राधा रानी वो जानते थे कि ये राधा रानी ये हर समय भागती फिरती हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए। तो उनके मन में ये अतृप्ति का भाव, तो जैसे हुआ तो भगवान श्री कृष्ण वो भी समझ गए, तो उनके अंदर भी ये अतृप्ति का भाव। तो उन्होंने सुबल को बुलाया, इसी क्षण मुझे राधिका से मिलना है, कुछ करो। तो सुबल बोले, अरे वो तो अपने ससुराल में है और वो भी जटिला और कुटिला, उनसे पंगा कौन ले? भगवान कहे, मुझे नहीं पता, जाओ कुछ तो करो। तो सुबल जो हैं वो भगवान के अंतरंग सखा हैं, परंतु दिखने में वो उनका चेहरा राधा रानी की तरह मिलता जुलता है। तो फिर उन्होंने ये युक्ति निकाली, तो एक बछड़े को लिया
और उसे हांकते हुए वो जावत पहुंचे जटिला और कुटिला के आंगन में और उस बछड़े को छोड़ दिया। बछड़े को छोड़ दिया और जटिला और कुटिला को कहा, अरे हमारा बछड़ा आपके आंगन में आपके घर में कहीं अंदर खो गया है, तो मुझे उसको लेकर जाना है, समय हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ जाओ जाओ ले लो ढूंढ लो। सुबल उस बहाने जो अंतपुर है राधा रानी के ससुराल का, जहाँ राधा रानी अंदर विराजमान थी उस अंतपुर में, वहाँ पहुँचते हैं और राधा रानी जो कि उसी भाव में श्याम सुंदर से मिलने के विरह के भाव में हैं, सुबल को देखती हैं। अरे सुबल, मैं यहाँ संदेशा लेकर आया हूँ, उनको मिलना है। तो राधा रानी वो सोचने लगी कि अरे मेरे अंदर जो तीव्र इच्छा उनको मिलने की, उनके अंदर भी तीव्र इच्छा, देखो बिना व्हाट्सएप के बिना मैसेज किए। लेकिन जटिला कुटिला बाहर बैठी हैं, तो मैं जाऊंगी कैसे? तो सुबल ने कहा देखो एक ही तरीका है कि मेरे गोप वस्त्र तुम लो और तुम्हारे गोपी के वस्त्र मुझे दो और मैं यहाँ पर ये जो बछड़ा मैंने यहाँ पर भेजा है, ये बछड़े को तुम हाथ में लेकर मेरे वस्त्र पहनकर फेटा वेटा बांध कर सामने से निकल जाओ, क्योंकि हम दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। तो राधा रानी ने पूछा और तो फिर तुम? मैं यहाँ पर संभाल लूँगा, चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। अरे कान्हा की सेवा के लिए जान भी हाजिर है, जटिला कुटिला क्या है। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी गोप वेश धारण करती है और उस बछड़े को अपने हाथ में लेकर सामने आंगन में उनकी सास और उनकी ननद जटिला और कुटिला के सामने। तो जटिला और कुटिला, सुबल मिल गया तुम्हारा बछड़ा? बोला नहीं कुछ, ऐसे हाथ में बछड़े को लेकर वो निकल गए। यहां सुबल घूंघट डाले हुए, वो गोपी वेश में घूंघट डाले हुए, कुछ समय बाद जटिला और कुटिला वो अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि ये आज राधा रानी को क्या हुआ, इतना लंबा घूंघट डाले हुए। वहां पर राधा रानी सुबल के वेश में, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही देखते हैं तो सुबल को कहते हैं, किसको? राधा रानी को कहते हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि सुबल है। कह रहे तुम खाली हाथ आ गए, ये क्या बछड़े को लेकर आ गए, मैं तुमको क्या किस काम से भेजा था? तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी वो उच्चारण करती हैं, श्याम सुंदर का नाम लेती हैं, तो श्याम सुंदर वहाँ पर भाव विभोर अवस्था में, मतलब एक तरफ तो जिसको कहेंगे प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, शॉक्ड, और उसके साथ श्रीमती राधा रानी जो उनके मन में इतनी विरह की भावना हो रही थी, श्रीमती राधा रानी के साथ मिलन। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोग जब अंदर जटिला और कुटिला गए तो देखा कि ये श्रीमती राधा रानी बाहर क्यों नहीं आ रही, काम काज क्यों नहीं कर रही है घर का। तो सुबल ने वहां पर एक पत्ते के ऊपर लिख दिया कि अभिमन्यु के लंबी आयु के लिए, अभिमन्यु के लंबी आयु के लिए मैंने आज व्रत लिया, मौन व्रत। तो वहां पे लिखा हुआ क्या कि अभिमन्यु की लंबी आयु के लिए मौन व्रत। ओ हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया, सॉरी सॉरी, ऐसे करके। तो फिर वहाँ पर उस स्थिति को सुबल ने संभाल लिया। तो यहाँ जब ये एक छोटी सी कथा जो हमने आपको सुनाई कि दोनों
एक दूसरे के भाव में अतृप्ति महसूस करते हैं। जैसे एक बार यावत में श्रीमती राधा रानी अकेली वो बैठी गाने लगी। अब देखो श्रीमती राधा रानी के जो विशेष गुण जिसको कहते हैं आज के भाषा में सॉफ्ट स्किल्स, वो इतने ज़्यादा निपुण हर चीज़ में श्रीमती राधा रानी, तो जब गा रही थी तो इतने मधुर कंठ से और ऐसा मधुर स्वर निकल रहा था, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, इस प्रकार से वो गाने लगी। क्या गाने लगी? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, आओ नंदलाल तरस रहे नैना मेरो नंदलाल बरस रहे नैना, हे आओ नंदलाल तरस रहे नैना मेरो नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना मेरो नंदलाल बरस रहे नैना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, तो जब श्रीमती राधा रानी गाती हैं तो भगवान तो बोल दिए हैं कि जब भी कोई मेरा कीर्तन करता है तो मैं वहाँ पर मौजूद हो जाता हूँ, तो राधा रानी यदि कीर्तन करें तो क्यों नहीं कान्हा दौड़े दौड़े जाएं, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए। अब ये कौन सी जगह है? जावत ससुराल है तो रिस्की एरिया है, तो हुआ क्या, जैसे ही भगवान वहाँ पर पहुँचे श्रीमती राधा रानी कीर्तन कर रही हैं तो चंद्रावली का तोता, अब चंद्रावली जो हैं वो श्रीमती राधा रानी की प्रतिद्वंद्वी हैं, तो चंद्रावली का तोता उड़ते उड़ते जाता है जटिला और कुटिला कानाफूसी करता है जाकर, कहता है तुम लोग यहाँ पर बैठकर केवल खा रहे हो, वो जो तुम्हारी बहू है राधिका वो श्याम सुंदर के साथ है, तुरंत अभिमन्यु को बुलाते हैं, वो लोग भेजते हैं लेकर आ उसको, तो अभिमन्यु दौड़े दौड़े जा रहा है,
अब यहाँ पर ये तोते ने, ये सब तो चंद्रावली का तोता है, तो राधा रानी का जो तोता है शुक उसका नाम है, तो उसे समझ में आ जाता है क्योंकि वो भी प्रतिद्वंद्वी इस तोते का। तो राधा रानी के तोते को समझ में आता है कि उसने वहां पर जाकर चुगली की है। तो ये उड़ते 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 वहां पर राधा श्याम सुंदर दोनों को चौकन्ना करने के लिए कि अभिमन्यु आ रहा है, लेकिन तोता शुक जो है वो जब तक पहुंचे तब तक अभिमन्यु वहां पर पहुंच चुका है। अभिमन्यु वहां पर पहुंच चुका, लेकिन अभिमन्यु ढूंढ रहा है, सामने राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि राधा रानी महाभाव से जब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रही थी तो राधा रानी का जो गौर वर्ण है वो श्याम वर्ण हो गया, और भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के भाव में निमग्न तो उनका श्याम वर्ण गौर वर्ण हो गया। तो दोनों अपना अपना कॉम्प्लेक्शन एक्सचेंज कर लिए, तो अभिमन्यु कंफ्यूज हो गया कि ये तो और कोई दो बैठे हैं, ये और कोई दो बैठे हैं। तो मुद्दा यहां पर क्या है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे प्रसंग है जहां पर ये दोनों, खास तौर पर श्रीमती राधा रानी, वो भगवान श्री कृष्ण के भावना में इतनी निमग्न रहती है उसके बावजूद वो अतृप्त रहती है कि और चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण का चिंतन और उन्हें चाहिए। फिर ये एक बहुत विशेष विरोधी गुण है श्रीमती राधा रानी में कि हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण समर्पित हैं, कंप्लीटली डिवोटेड, लेकिन साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो मान लीला करती हैं। इसलिए बरसाना में आप जाओगे तो बरसाना धाम में एक मानगढ़ है, मान मंदिर है, और ये मंदिर जहां पर श्रीमती राधा रानी की इस मान लीला को दर्शाया गया है। तो एक दफा भगवान श्री कृष्ण वो श्री राधिका से कहते हैं कि तुम्हारा एक नाम है नर्तकी, बहुत तुम अच्छा नर्तन करते हो, नृत्य तुम बहुत अच्छा करती हो, तो मुझे तुमसे सीखना है, मुझे भी सिखाओगी कैसे नाचते हैं? तो श्रीमती राधा रानी का एक गुण है, वो बहुत भोली है, और भगवान श्री कृष्ण वो बहुत चतुर। तो अब वो जो कि कालिया पे, यहाँ पे हम देखते हैं कालिया के फनों के ऊपर जिन्होंने इतना सुंदर नृत्य किया, ऐसे डांस फ्लोर पे कौन नृत्य कर सकता है? लेकिन वो बस श्रीमती राधा रानी को चिढ़ाने के लिए, तो राधा रानी वो सीरियसली ले रही कि हाँ सच में शायद सीखना होगा, तो सिखाना प्रारंभ कर दिया। तो जानबूझ के गलत कर रहे हैं, इतनी बार वो सिखा रही हैं तो सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी चीज, ये तो शुरुआत है और इतनी सी चीज इसको समझ में नहीं आ रही, तो जानबूझ के। और फिर अचानक उनके मुख से निकल जाता है, नहीं लेकिन इस प्रकार से गाना चाहिए ना, तुम जो गा रही हो थोड़ा इसको और अच्छी से गाया जा सकता है। यहाँ पर पोल खुल गई, जब तुम्हें इससे अच्छा गाना आता है, जब तुम्हें इससे अच्छा नाचना आता है, तो फिर ये नाटक क्यों, मुझसे सीखने का नाटक क्यों? मान लीला। गुस्से में श्रीमती राधा रानी गुस्से में वहां से निकल जाती। तो अब भगवान श्री कृष्ण, अब ये जो मान है, ये जो गुस्सा है, ये भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देने के लिए, हम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो सुन ले खाली, है ना? अनुभव तो गुस्से का बहुत करते हैं घर पर, हाँ, लेकिन कभी उस गुस्से को हमने
प्रेम का रूप देखा है, प्रेम का नाम दिया है? नहीं। तो अब मिलना नहीं चाहती, रूठी हुई हैं श्रीमती राधा रानी भगवान से, शक्ल भी नहीं देखनी। यहाँ तक कि वो जो गोपियाँ उनकी सेवा करने आती हैं, उन गोपियों को बोलती, तुम्हारे ये बाल सफ़ेद करो, मुझे काला रंग देखना ही नहीं है, कहीं पर भी काला रंग नहीं दिखना चाहिए। उस जो लंपट है श्याम सुंदर, उसकी याद दिलाती है मुझे। तो अब यहाँ पर मिलन नहीं हो रहा है, रूठी हुई हैं, मान लीला में हैं। तो भगवान जाते हैं राधा कुंड के तट पर और राधा कुंड की आराधना करने लगते हैं श्याम सुंदर, क्योंकि राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी वो दोनों अभिन्न हैं, तो राधा कुंड की पूजा करने लगते हैं। इसलिए ये जो श्लोक हमने लिया था गौतमीय तंत्र से, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता श्री राधिका पर देवता, तो इस श्लोक में जो देवी शब्द इस्तेमाल किया गया है उसमें रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो विग्रह है उसे पूजा नगरी और क्रीड़ा नगरी बताया गया है, कि वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा नगरी बन जाती है और क्रीड़ा नगरी बन जाती है। तो राधा कुंड भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर राधा कुंड की आराधना कर रहे हैं और राधा कुंड की आराधना करते करते वो इतने ज्यादा श्रीमती राधा रानी के भाव में चले जाते हैं कि वृंदा देवी वो देखती हैं कि श्याम सुंदर वहां पर एक स्त्री के साथ नृत्य कर रही। तो तुरंत जाकर रिपोर्टिंग होती है, वृंदा देवी जाके रिपोर्ट करती हैं कि तुम यहां पर रूठी हुई बैठी हो, वहां पर वो श्याम सुंदर किसी स्त्री के साथ नृत्य कर रहे हैं। तुरंत राधा कुंड के तट पर श्रीमती राधा रानी पहुंचती हैं और देखती हैं कि सही में एक स्त्री है, लेकिन वो स्त्री है कौन? वो श्रीमती राधा रानी के ही लुक अलाइक है, श्रीमती राधा रानी जैसी दिखती है। तो भगवान श्री कृष्ण उनके विरह में राधा कुंड की जो उपासना करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, तो उनके स्मृति से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। फ्रॉम द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा वॉज अनदर राधा रानी बॉर्न। और फिर उन्होंने, श्रीमती राधा रानी ने जब देखा कि इनका ऐसा भाव है मेरे प्रति कि मेरी गैर मौजूदगी में, मेरे स्मरण में ये मुझे उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये बहुत विशेष विरोधी गुण इनमें पाया जाता है कि कृष्ण से पूर्ण समर्पित परंतु उनको प्रसन्नता देने के लिए वो मान लीला करती हैं। श्रीमती राधा रानी वो पूर्ण रूप से पारंपरिक हैं, ट्रेडिशनल हैं, परंतु अपने ट्रेडिशनल होने, पारंपरिक होने के साथ साथ सबसे क्रिएटिव हैं। कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देने के लिए नए नवेले तरीके ढूंढते रहते हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण के दो गुण बताए गए हैं। एक है भगवान श्री कृष्ण वैभव प्रकाश हैं और वैभव विलास हैं। तो वैभव प्रकाश भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है कि जब वो द्वारका में द्वारकाधीश का रूप लेते हैं तो वो है उनका वैभव प्रकाश, और हर एक वैकुंठ लोक में नारायण का जब वो रूप में विस्तारित होते हैं तो वो है उनका वैभव विलास। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी वो भी जब द्वारका की महिषी बनती हैं, जैसे कि रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नचीति, मित्रविंद इत्यादि इत्यादि, तो ये सब द्वारका की महिषी हैं। ये सब कौन हैं? ये श्रीमती राधा रानी के वैभव प्रकाश हैं। और जो वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं वो सब श्रीमती राधा रानी के वैभव विलास हैं, जैसे कि कृष्ण के वैभव प्रकाश और वैभव विलास
को हमने बताया, वैसे श्रीमती राधा रानी भी विस्तारित करती हैं। परंतु वृंदावन में जितनी भी गोपियां हैं वो सारी गोपियां कौन हैं? श्रीमती राधा रानी के काय व्यूह रूप बताया गया है, उनके शरीर से ही निकली हुई, उनके ही व्यूह रूप हैं, श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशंस डायरेक्ट ये सारी गोपियां हैं। तो क्यों क्यों ये सारी गोपियां, अनगिनत मंजरियां जो सेविकाएं हैं, ये श्रीमती राधा रानी उत्पन्न करती हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ वो प्रेम प्रतियोगिता करना चाहती है। हमने प्रतियोगिताएं तो सुनी होंगी, यहां पर प्रेम प्रतियोगिता। तो प्रेम प्रतियोगिता क्या है कि जैसे कोई अगर क्लास में टॉपर है और बाकी सारे क्लास के सब फेल होते हैं हर समय, तो उसको क्या कहा जाएगा? अंधों में काना राजा। तो बाकी सब फेल होते हैं तो अपने आप ये टॉपर बन गया, उसमें कोई मजा नहीं है। लेकिन अगर उस सही मायने में उसकी विद्वत्ता उसको परखनी है तो अन्य जो विद्वान हैं उनके साथ प्रतियोगिता में यदि वो टॉपर बनता है तो माना जाएगा, है कि नहीं? तब माना जाएगा कि हाँ ये सही मायने में टॉपर है। तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी, जिनके हृदय में ऐसा महाभाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो वो विस्तार करते हैं ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, ऐसी ऐसी गोपियों और सखियों के रूप में, और उनके साथ फिर प्रतियोगिता, और खास तौर पर चंद्रावली। तो इसे कहते हैं प्रेम प्रतियोगिता। तो एक बार पद्मा नाम की एक सखी, जो कि चंद्रावली के गुट की, उनके ग्रुप की, तो पद्मा नाम की सखी वो भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन सुनते दौड़ते हुए उस दिशा में निकल पड़ती है। तो ललिता देवी देखती हैं ये तो गड़बड़ हो रहा है, चंद्रावली के ग्रुप की और वो श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही हैं। तो ललिता देवी बीच में रोक लेती हैं और कहती हैं पद्मा को, देखो तुमको क्या लग रहा है, तुम्हें लग रहा है ये श्याम सुंदर की बांसुरी की धुन है जिसके चलते तुम दौड़ते हुए जा रही हो? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं सुनाई दे रही क्या? अरे मेरे साथ बहुत बार धोखा होता है ऐसा, ललिता देवी कहती है, मेरे साथ बहुत बार धोखा होता है। ये वृंदावन में जब हवा वो चलती है और जो बांबू के वृक्ष हैं उनसे गुजरते हुए जब हवा जाती है तो ऐसा लगता है कि वो श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहा है, वो कोई बांसुरी वो सोया हुआ है। फिर वो पद्मा से कहती है, देखो ये जो गधे हैं ये भी हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तो उधर जाकर तुम्हारी खिल्ली उड़ने वाली है, तो ये गलती मत करना। अब ललिता देवी कौन है? वो भी श्रीमती राधा रानी की विस्तारित है। तो वो पद्मा को रोक लेती हैं और फिर ललिता देवी वो श्रीमती राधा रानी को बोलती हैं कि मैंने उसको तो फिर से लौटा दिया उसके घर, वो श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, जाके देखते हैं कि वो ऐसी बांसुरी क्यों बजा रहे हैं कि इनको बुला रहे हैं, जाके उनकी खबर लेते हैं। एक बार कौन से दिन? राधाष्टमी के दिन, राधा रानी के आविर्भाव दिवस पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को एक बहुत सुंदर हार भेंट के रूप में देते हैं, बर्थडे गिफ्ट। और वो इतना सुंदर हार कि किसी जौहरी ने, किसी कुबेर ने, किसी के भी राजकोष में आज दिन तक ऐसा हार किसी ने देखा नहीं, ऐसा हार। तो ये हार पहने हुए श्रीमती राधा रानी सभी पूछ रहे हैं कि अरे ये कहां से ऐसा अनोखा हार भगवान ने तुमको दिया भेंट के रूप में। चंद्रावली जब देखती है तो चंद्रावली के अंदर जलन, राधा रानी के प्रति जलन। तो वो अब राधा रानी को कहती हैं,
देखो ये जो तुमने हार पहना है ना, तुमको लग रहा होगा कि श्याम सुंदर ने तुम्हारे लिए अलग से ये हार कहीं से बनवाया या ला कर दिया। सच्ची बात बताऊं, कई दफा मुझे वो देना चाहते थे ये हार। कौन कहती है, चंद्रा वाली बोलती है, कई दफा मुझे ये हार देना चाहते थे, मैंने रिजेक्ट कर दिया। राधा रानी जैसे ये सुनती हैं, मतलब तुम्हारा रिजेक्ट मुझे दिया, तुम्हारी उतरन। तो राधा रानी पूछ, तुमने रिजेक्ट क्यों किया ऐसा हार? तो वो बोलती, ये जो तुम क्या हो, तुम रत्न शास्त्र नहीं जानती। रत्न शास्त्र किसे कहते हैं? जेमोलॉजी। तो चंद्रावली कहती है, मैं रत्न शास्त्र जानती हूं, ये जो तुम पेंडेंट देख रही हो ना, सबसे बड़ा पेंडेंट जो बीच में दिख रहा है इस हार में, ये ऐसा अपशकुन पैदा करता है कि जो भी इसको पहन ले उसकी बहुत जल्द मृत्यु होती। तो जैसे बोला जाता है कि यदि सांप डस ले किसी को, उंगली पर अगर डस ले तो वो जहर आगे नहीं फैले, इसलिए कई बार उंगली काट लेनी पड़ती है। तो ये तुम हार तुरंत निकाल दो भाई, जानलेवा ये। इसलिए मैंने रिजेक्ट किया था, क्योंकि मैं पूरा रत्न शास्त्र पढ़ी हूं, तुम नहीं जानती। तुम अब क्या गांव की ग्वालन हो, तुम नहीं जानती, तो मैं तुम्हारी हित चिंतक हूं, इसलिए तुमको आगाह कर रही हूं। तो श्रीमती राधा रानी ने तुरंत वहां पर वो हार निकाल के फेंक दिया, रूठ कर चली गई। बाद में देखेंगे वो श्याम सुंदर। चंद्रावली अब श्याम सुंदर को चिढ़ाने के लिए वो हार लिया, पहन लिया, हार पहन के श्याम सुंदर के पास, कि देखते हैं अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होती। अब वो है अंतर्यामी, वो तो सब कुछ जानते हैं कि यहां पर ये क्या खिचड़ी को जलाया इन्होंने। तो जैसे ही वो पहुंचती हैं, उनका नाम क्या है? चंद्रावली। तो श्याम सुंदर उस हार को जो उन्होंने अभी श्रीमती राधा रानी को दिया था गिफ्ट में, उस हार को अपनी दिव्य शक्ति से उसको सांप में परिणित कर देते हैं। तो गले में चंद्रावली को लग रहा है कि वो इतना अनोखा हार पहने हुए श्याम सुंदर के पास, श्याम सुंदर को चिढ़ाने के लिए आई है, लेकिन वो उसे समझ में नहीं आया कि वो सांप में परिणित हो गया है। और जो चंद्रावली के केश, वो बहुत गर्व करती थी अपने केश के ऊपर, तो चंद्रावली का जो केश है वो एकदम जटा बना दिया उसको, जैसे साधुओं की जटा होती है ना, वैसे उसको जटा बना दिया। यहां पे सांप, यहां पे जटा, कौन कौन धारण करते हैं ये सब? भगवान शंकर, शिवजी। और भगवान शिवजी का एक नाम है चंद्रमौली। तो जैसे ही, और इसका नाम क्या है? चंद्रावली। तो ये आते हैं श्याम सुंदर के पास, तो श्याम सुंदर दंडवत कर रहे हैं, अरे चंद्रमौलीश्वर भगवान, आज आप यहां पर कैसे? तो वो सोचने लगी कि ये मुझे चंद्रमौली क्यों बुला रहे हैं और मुझे दंडवत क्यों कर रहे हैं। फिर जब देखा तो सांप रेंग रहा है, यहां पे देखा तो जटा हो गई है। राम 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 राम, ये क्या हुआ? तो ये सब श्रीमती राधा रानी, ये जो अपने आप को अपने काय व्यूह रूप में विस्तारित करती हैं, ये प्रेम प्रतियोगिता उसके लिए, इसलिए ट्रेडिशनल होने के साथ साथ सबसे क्रिएटिव। श्रीमती राधा रानी की सादगी, इतने सरल हैं, इतनी सादगी है उनके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ परम सुंदरी, सौंदर्य उनका ऐसा बताया गया है कि
जैसे हमने शुरुआत में श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाई 24 मिनट, फिर लास्ट में कह दिया, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में बताया गया है कि इस संसार में जो भी किसी के रूप से आकर्षित होता है तो वो काम देव के वजह से होता है। तो कामदेव वो सबको आकर्षित किए हुए हैं और ऐसे अनगिनत कामदेव को मदन मोहन आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, मदन मोहन, मदन को मोहित करने वाले। और श्रीमती राधा रानी क्या है, वो ऐसे कामदेव को भी मोहित करने वाले भगवान श्री मदन मोहन जी को मोहित कर कर रखती हैं। तो उनके सौंदर्य के विषय में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि उनका जो वर्ण है, कॉम्प्लेक्शन है, वो किससे बना हुआ है, चंपक का जो फूल है, चंपक के फूल के अंदर जो सुवर्ण वर्ण थोड़ा सा होता है, तो वहां से चंपक के फूल से वो गोल्डन ह्यू जिसको कहेंगे वो लिया, तपता हुआ सोना उसका जो रंग होता है उसको लिया, और फिर बिजली जब कड़कती है तो उसके अंदर से जो तेज निकलता है, इन तीनों का जब कोई मिश्रण करे तो वो है श्रीमती राधा रानी के कॉम्प्लेक्शन का कलर। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। अब आप इसको कल्पना करें, ये कॉम्बिनेशन का क्या कॉम्प्लेक्शन होगा, ये तीन चीज। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वो बांसुरी बजा रहे हैं, बरसाना के पास एक जगह है, वहां पर वो बैठकर बांसुरी बजा रहे, तो श्रीमती राधा रानी दौड़ते हुए वहां पर गई, तो वो अपने आंखों में काजल लगाना भूल गई। हर समय वो मिलने जब जाती तो आंखों में अंजन काजल लगा कर जाती, काजल लगाना भूल गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि अरे तुम आज काजल लगा कर नहीं आई, तो अरे भूल गई मैं आज काजल लगाना, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर जिस पत्थर पर बैठे थे उसे घिसने लगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घिसकर उस पत्थर से काजल का निर्माण किया और श्रीमती राधा रानी की आंखों पर वो काजल लगाया। आज भी वो जगह है बरसाना के पास, उसको कहते हैं अंजनवन, अजनोक अंजनवन, और वहां पर वो पत्थर है, हमने तो देखा नहीं लेकिन सुना है कि वो पत्थर है, उस पत्थर पर यदि आप घिसो तो वो काजल जैसे कालिक बाहर आती है उसमें से, उसके बगल वाला पत्थर कितना भी घिसो उंगली घिस जाएगी कुछ नहीं निकलेगा। तो यहां पर वहां के ब्रजवासी गण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहां श्रीमती राधा रानी के गुरु बने, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया, जैसे गुरु अंजन प्रदान करते हैं अपने शिष्य के आंखों में दिव्य ज्ञान का, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो श्रीमती राधा रानी के इस सादगी में जो सौंदर्य डालते हैं वो अपनी कृपा के द्वारा। अब ये एक विशेष गुण है कि श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वामित्व का भाव रखती है, स्वामीगत, पोजेसिव लवर, इस प्रकार की वो प्रेमी है, स्वामीगत प्रेमी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत मिलनसार और अकोमोडेटिंग है। तो एक बार श्रीमती राधा रानी ने रति मंजरी, उनकी जो अंतरंग सखी है, उनको बुलाया, रति मंजरी को बुलाया, और रति मंजरी बहुत शर्मीली किस्म की है, और एक पत्र लिख कर दिया कि ये जाकर श्याम सुंदर को दो। कभी डायरेक्टली श्याम सुंदर के पास ये गई नहीं, तो थोड़ी डरी हुई, लेकिन अब आदेश है श्रीमती राधा रानी का तो पत्र लेकर जाती हैं। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण पत्र खोलकर पढ़ते हैं और वो रति मंजरी की ओर देख रहे हैं अलग दृष्टि से, तो वो और डर जाती है कि मेरी ओर क्यों ऐसे देख रहे हैं। तो भगवान श्याम सुंदर पूछते हैं कि तुमने पढ़ा पत्र में लिखा क्या है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। तो श्रीमती राधा रानी ने लिखा था कि
इसे रति मंजरी को तुम्हारा नृत्य देखना है। तो श्याम सुंदर वहां पर नृत्य करने लगे। रति मंजरी सोचे ये नाच क्यों रहे मेरे सामने, और श्याम सुंदर ऐसा नृत्य करने लगे जैसे होता है ना कि निडर होकर, जैसे कई बार किसी को नृत्य नहीं आता लेकिन अकेले कुछ गाना बजाना चल रहा है और कमरे के अंदर अकेले या बाथरूम के अंदर बेशरम होके नाच रहा है, वैसे श्याम सुंदर बेशरम होके नाच रहे हैं, निडर होके नाच रहे हैं। तो रति मंजरी देख रही है। अब रति मंजरी कौन है? वो भी राधा रानी की विस्तारित स्वरूप है, जैसे हमने कहा काय विहरूप। तो राधा रानी जब भी श्याम सुंदर को नाचने के लिए कहती थी तो श्याम सुंदर थोड़े सकुचाते थे, संकोच करते थे कि राधा रानी इतनी बड़ी नर्तन है, नर्तकी है, तो उनके सामने उनको थोड़ा नाचना उनको शर्म आती थी। लेकिन रति मंजरी को कुछ आता नहीं नाचना वाचना, तो उसके सामने ए धड़क ओके। तो श्रीमती राधा रानी वो देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये पूरा ट्रिक किया। तो पॉइंट क्या है कि वो पॉजिटिव लवर हैं, उसके साथ साथ वो अकोमोडेटिंग भी हैं। और फाइनली जो छठा विरोधी गुण श्रीमती राधा रानी का कि टॉप मोस्ट डिवोटी हैं भगवान श्री कृष्ण की, उनसे बड़ी कोई सेविका नहीं, परंतु फिर भी उनके समान कोई नम्र नहीं। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हुए पुष्कर प्रभु, जो कि बहुत अच्छे, उन्होंने पेंटिंग्स हमारे आर्ट बुक कृष्ण आर्ट बुक में आपने उनके पेंटिंग्स देखी होंगी। तो एक दफ़ा उन्होंने एक पेंटिंग निकाली जिसमें श्रीमती राधा रानी ललिता देवी को पकड़कर श्याम सुंदर के पास खींचते हुए ले जा रही हैं। तो जब प्रभुपाद ने ये पेंटिंग देखी, प्रभुपाद ने कहा कि ये सही भाव है, दिस इज द राइट मूड, श्रीमती राधा रानी इसी भाव में है। इतनी ज्यादा मतलब श्याम सुंदर खुद उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना कई बार मांगते हैं, परंतु वो स्वयं अपने आप को सबसे ज्यादा नगण्य मानती हैं भगवान के सेवकों में से, और इसलिए वो ढूंढती रहती हैं। एक गुण श्रीमती राधा रानी का है कि वो ढूंढती रहती हैं कि कौन सा भक्त, कौन सी गोपी, कौन सी सखी, यहां तक कि यदि चंद्रावली वो भी भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा प्रसन्नता अगर दे रही है तो राधा रानी उस चंद्रावली की भी सेविका बनने के लिए तैयार है। इसलिए अंत में हम बताना चाहेंगे कि जब हमारे शिष्य राधा मदन गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2011 23 मार्च के दिन, परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ पर आए थे, भक्ति विद्या पूर्ण महाराज आए थे, जनानिवास प्रभु आए थे, ये सारे बड़े बड़े भक्त आए थे। तो उस दिन जब पूरा इंस्टॉलेशन सेरेमनी हो गया और जब वो लोग प्रसाद ले रहे थे तो उनकी चर्चा चल रही थी, भक्ति विद्या पूर्ण महाराज ने ये प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था कि हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के मंदिरों में इतने अलग अलग अर्च विग्रह के नाम हैं, श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा मदन मोहन। तो उनका प्रश्न ये था कि हर समय कृष्ण के नाम अलग अलग होते हैं हमारे मंदिरों में, परंतु राधा रानी का नाम कभी बदलता नहीं, हर समय उनका नाम राधा ही रहता है, ऐसा क्यों? तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने अपने साक्षात्कार से इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि श्रीमती राधा रानी वो हर समय अपने आप का परिचय, इंट्रोडक्शन किस प्रकार का देना चाहती हैं कि मैं केवल और केवल मेरे श्याम सुंदर, चाहे वो गोविंद के रूप में हो, मदन मोहन के रूप में हो, गोपीनाथ के रूप में हो, मदन गोपाल के रूप में हो, मेरा रोल क्या है कि मैं केवल उनकी
सेविका हूं, ये मेरा रोल है। मैं केवल उनकी आराधना के लिए बनी हूं। एक और उनके नाम का अर्थ क्या है, राधा का अर्थ क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण के आराधना के लिए बनी है। इसलिए क्योंकि उनका वो मूड है तो वो अपना पोजीशन, अपना नाम वही रखना चाहती है। इसलिए आज हमारे जो पूरे डेकोरेशन के टीम है उन्होंने सब जगह पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन बना दिया। यहाँ पर वृंदावन में आप जाओ, हर एक पेड़ पर, दीवार पर, सब जगह पर श्री राधा इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आइए आज के इस इतने महत्वपूर्ण और ऐसे प्राइवेट श्रीमती राधा रानी के जन्मोत्सव में हम उनसे ये प्रेरणा लें कि उनका ये जो भाव है कि वो हर एक उनके चाहे वो अनुकूल या प्रतिकूल, तथाकथित प्रतिकूल गुण दिखें, विरोधी गुण दिखें, उसके अंदर भी श्याम सुंदर को प्रसन्नता देने के लिए वो अपना सर्वस्व अर्पित किए हैं। और इसलिए उनका ये जो नाम है उनके गुण और उनके पूरे जीवन को दर्शाता है। तो कम से कम हम आज के दिन उनके इस महोत्सव से उनकी कृपा याचना करें और हम भी हमारे जीवन को भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम है गोविंद आनंदिनी, कि जो गोविंद को आनंद देने वाली हैं, तो हम भगवान श्री मदन गोपाल जी को आनंद देने के लिए अपने जीवन, जो भी कुछ बचा हुआ है, जितने भी वर्ष इस जीवन के बचे हुए हैं, उसको समर्पित करें और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक हम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।